हेलो फ्रेंड, मैं हूं दीपक समल और आज मैं करूंगा एक मॉडल का फ्लैश करूंगा मैं। देखिए, ये है मेरे पास माइक्रोमैक्स का है, माइक्रोमैक्स Q371 मॉडल है मेरे पास। देखिए, माइक मॉडल है Q371। ये अभी क्या प्रॉब्लम दे रहा है ना, ये टोटली ऐसे ही कैनवास लिख कर रुक रहा है, उसके आगे नहीं जा रहा है ये। तो हमें इसे फ्लैश करना है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे आपका अगर फ़ोन ऐसे प्रॉब्लम आए तो आप कैसे कर सकते हैं। तो पहले जाइए माई कंप्यूटर में, सॉरी मैं आपको बताता हूँ आपको सॉफ्टवेयर वगैरह कहाँ से लोड करना है। देखिए, पहले आपको SP फ्लैश टूल, एक ये है फ्लैशिंग टूल है SP फ्लैश टूल, आप इसको पहले आपको डाउनलोड करना है SP फ्लैश टूल। और माइक्रोमैक्स, देखिए जो मॉडल है माइक्रोमैक्स Q371 जो मॉडल है, इसका आपको फ्लैश फाइल डाउनलोड करना है। देखिए, मैं पहले से ही डाउनलोड कर चुका हूँ ये वाला मॉडल माइक्रोमैक्स Q371 जो मॉडल है, इसका फ्लैश फाइल आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको दिखा जा रहा हूँ कहाँ डाउनलोड करना है। आप सिंपली यहाँ पर टाइप करेंगे गूगल में जाकर माइक्रोमैक्स Q371 फ्लैश फाइल, देखिए यहाँ पर आ गया। देखिए, तो आपको यहाँ से Q371 का फ्लैश फाइल आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, यहाँ भी आ गया, यहाँ पर नीचे है, तो यहाँ पर जब क्लिक कर देंगे तो सिंपली एक पेज खुल जाएगा। देखिए, यहाँ पर आप यहाँ पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये करने के बाद आपको फिर और एक चाहिए कि SP फ्लैश टूल, तो आप यहाँ पर SP फ्लैश टूल भी यहाँ पर आप सर्च करके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप जाकर पूरा लेटेस्ट वर्जन आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आप कर दीजिए विंडो, देखिए यहाँ पर ये डाउनलोड ऑलरेडी हो रहा है। डाउनलोड देखिए, एक डाउनलोड हो रहा है। देखिए यहाँ पर 40 फ्लैश टूल वर्सन 5.16.28, देखिए ऑलरेडी डाउनलोड हो रहा है। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको डाउनलोड कर चुका हूँ, तो आपको दिखाने के लिए मैं इसे किया था। और एक करना है USB ड्राइवर डाउनलोड करना है। यहाँ पर SP फ्लैश टूल आप लिख देंगे USB ड्राइवर, देखिए यहाँ पर क्लिक करके आप देखिए, इसकी मेरा विंडोज 7 है, तो मैं यहाँ पर इसको ऑलरेडी मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो डाउनलोड इज बिगिन प्रीपेड, तो चल रहा है, डाउनलोड हो रहा है अभी, तो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसको करने के बाद देखिए कैंसिल डाउनलोड, तो हम अभी जो फ्लैश करेंगे अपने मोबाइल को, तो मैं जाता हूं मेरे जहां पर सॉफ्टवेयर है मेरे पास। देखिए यहां पर SP फ्लैश टूल और सॉफ्टवेयर को अभी ओपन कर दिया मैं रन, तो यहाँ पर देखिए स्कटर लोडिंग में यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर हम चलते हैं ई में सॉफ्टवेयर
और यहाँ पर चलते हैं फ्लास्क फाइल में माइक्रोमास्क की 371 फार्मवेयर में, और यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लीजिए और ओपन। देखिए ये अभी पूरा आ गया, देखिए। और यहाँ पर हम कर लेते हैं डाउनलोड, और यहाँ पर मेरा जो फोन में यहाँ पर हम केबल लगा लेते हैं। देखिए कुछ बैटरी डालने की ज़रूरत नहीं है, ओनली आपको केबल लगाना है फ़ोन में। देखिए केबल लग चुका है, देखिए अभी प्रोसेस डाउनलोड हो गया। देखिए अभी चल रहा है फ्लैश, देखिए यहाँ पर ये भी फ्लैश चल रहा है। हो गया 56% हो चुका है, 61-62% चल रहा है अभी। हो चुका है, देखिए डाउनलोड होके पूरा सक्सेसफुली मेरा मोबाइल फ्लैश हो चुका है। तो फिर चलिए हम इससे केबल हटा देते हैं और बैटरी डालकर इसको देख लेते हैं ये हुआ या नहीं। तो मैं इसको ऑन करता हूँ अभी, देखिए ये ऑन हो चुका है। तो देखते हैं उसके कैनवास के बाद जाता है या नहीं। क्लास हुआ है तो शायद थोड़ा टाइम लग रहा है इसलिए। Thank you.
देखिए ये अभी स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद आप अपना जैसे ही सेटिंग करना चाहते हैं सेटिंग कर लीजिए। मैं हूं दीपक सामल, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है वीडियो बनाते समय तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको उसका सलूशन दे दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।